ये जो मास्क बन रहा है ये एंटी एजिंग मास्क है, am I right? Yes. एंटी एजिंग मास्क है, डॉक्टर आयशा जो है उसको बना रही है, प्लीज बताइए जी कैसे बनना है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल हैं और घर में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें योगर्ट लेंगे, दैट इज 1 tablespoon। ओके, और उसके बाद हमने वी आर गोइंग टू ऐड पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी का पाउडर घर के अंदर मौजूद होता है, वो हमने पिंच इसके अंदर ऐड किया, और 1/2 teaspoon के करीब हमने शहद जो है वो हमने इसमें मिक्स किया, क्योंकि वो इसको एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है, वरना ये चीज़ जो है एक बॉन्ड नहीं बन पाती, ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके, अच्छा जब हम चेहरे को यूज़ करते हैं तो पता नहीं क्यों हम ये काम करते हैं कि नेक को भूल जाता है, तो ये आपके गर्दन, चेहरा जो बेसिकली होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, वरना जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें अलग से पता चलेगा कि जी चेहरा आपका बिल्कुल क्लीन हो चुका है और नेक अलग से रह गई है। तो ये आपका मास्क तैयार हो गया है, That's it, it is done। और उसके बाद दोबारा से बताइए क्या क्या चीजें हमने इसमें डाली है? हमने इसमें 3 चीजें डाली हैं, हमने 1 चम्मच दही का लिया है, पिंच हमने हल्दी का ऐड किया है, और मैं दिखा दूं आपको, 1 चम्मच हमने दही का लिया है जी, ठीक है जी। इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 पिंच हल्दी ली है, और इसके साथ साथ हमने तकरीबन 1/2 tablespoon जो है वो शहद डाला, यस जी, और इससे जो है ये मसला हल हो चुका है। अच्छा, जब ये आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, चेहरे पे, और उसके बाद आपने अपर पोजीशन में इसको चेहरे पे अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद आप इसको एयर ड्राई होने दीजिए, आप पंखे के नीचे बैठ गए, अच्छी हवा इसको लगी, जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गया आप अपना चेहरा जो है उसके बाद आप धो लीजिए, नुमाया फ़र्क आपको महसूस होगा, लेकिन हफ्ते में 3 दिन आपने हफ्ते में 3 दिन That's it. अच्छा, और कितनी देर के लिए लगाना है? जब तक ड्राई ना हो जाए, takes about 20 minutes. Okay, 20 yes, minutes. 20 minutes के अंदर. जी, 20 minutes इसका फर्क आता है, ठीक है? ये एक बार मत दोबारा जाओ पीछे जाओ, ये मास्क की तस्वीर किसने लगाई है? ये वो वाला मास्क नहीं है, किस किस्म के लोग नहीं है? मुझे ये नहीं, मुझे दोबारा दिखाइए तस्वीर, दोबारा दिखाइए। आई जस्ट लव दैट पिक्चर। अच्छा जी, नहीं, ये हल्दी है, हम जो आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं ये हल्दी है, और ये अब क्या क्या करने जा रहे हैं हम? अच्छा जी, अब हम एक ज़बरदस्त स्मूदी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वो ही नज़र आता है, ठीक है। हम खा रहे हैं, अभी मैंने जिक्र किया 2 dishes का, निहारी और पाए और कोरमा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्किन हमारी ग्लो करे साहिर की तरह, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम चाह रहे हैं कि स्किन ऐसी ग्लो करे तो उसके लिए हमें एक स्मूदी बनानी है, और उसके लिए रात को आपको ना हलीम भी खाना होगा, रात को आपको डोसा भी खाना होगा, रात को आपको ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, I swear, ये देखें ये रिस्क है, मैं आपको झूठ में कसम खा के कह सकता हूँ, that's exactly what I do, I eat everything, but then again, you know, I exercise, आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी, तो हम क्या करें इसमें? इसमें जो है हमने लिए हैं क्यूकम्बर्स, ठीक है, और विद स्किन, क्योंकि जो कुछ है इसकी स्किन में है, ठीक है, इसमें फाइबर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, उन्होंने ही बहुत सारे लोग स्किन को पील कर देते हैं, वो नहीं करना, वो ना करें, क्योंकि फाइबर आपको इससे मिलेगा, उससे कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, ठीक है। तो हमने क्यूकम्बर ले लिया, और सेकेंड स्टेप पे आ गया हमारे पास बनाना, ठीक है, okay, और ये कितना लेना है? ये 1 ले लें, ठीक है, और अगर आप 3 से 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ले लें, पर पर्सन जो है आपने 1 ले लिया, okay. ठीक है, और ये हमने ऐड करते जा रहे हैं हम अपने फ्लास्क के अंदर, okay. ठीक है, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सेब भी है, सेब भी है, तो उसी तरीके से हम ऐड करेंगे, और ये सेब कितना डालना है? आधा सेब हम डालेंगे, आधा, मैं इस वक्त जो तरीक़ेकार बता रही हूँ वो 1 glass का बता रही हूँ, ठीक है, okay. अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं तो इसी चीज़ को आप डबल कर लें, 3 glass बना रहे हैं तो आप इसको ट्रिपल कर लें, लाइक वाइज, ठीक है, ताकि ये के लोगों को याद भी रहे, ओके okay. अच्छा, हमारे यहाँ लोग अनीमिया यानी कि खून की कमी से बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं, और उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो पालक का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे करें, और इसी स्मूदी में वो डल भी रही है तो खून की जो कमी होगी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, दूर भी वो होगी, और पालक हमारी इस स्मूदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और वो मैंने कट करके इसके अंदर डाल दी, पानी को मैं एंड में डालूंगी ताकि ये क्लियर तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स आएँ, ठीक है। 1 हमने लेमन स्क्वीज करके इसमें डालना है टू टेस्ट, देख लीजिए कौन बात कर रहा है, प्लीज़ ज़रा देख लें, ताकि विटामिन सी आपको मिले, क्योंकि विटामिन
सी जब तक नहीं जाएगा, जो बेस्ट 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 इंग्रेडिएंट है इस स्मूदी का और जो रिज़ल्ट आना है स्किन पे वो विटामिन सी से आना है। तो हमने वो डाल दिया, ठीक है। तो क्यूकम्बर हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, एंड इन द एंड एक और चीज़ आ गई और वो आ गई रेड कलर। देखिए जितने कलर्स आप डालते हैं उतने ही आपको मिलते हैं पॉलीफेनॉल्स, उतने ही मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपकी स्किन को ग्लो करते हैं एंटी एजिंग के लिए और एंटी रिंकलिंग के लिए। ये आपने डाल दिए, ठीक है। टमाटर डाला है आपने? ये मैंने टमाटर डाला। ऑलराइट, और टमाटर आधा लिया है, आधा डाला है। तो बेसिकली याद रखिए, ये अपने एक ग्लास के लिए बना रही हैं, आधा आपने सेब लिया है, एक केला लिया है, थोड़ा सा क्यूकम्बर लिया है, यहाँ पर उन्होंने लेमन लिया है, और लेमन लेने के बाद यू नो उसमें आपने थोड़ा सा ऐड किया है टोमेटो को, एंड दैट्स अबाउट इट। और स्पिनच के दो पत्ते जो हैं वो डाले हैं, एंड स्मूदी जो है वो तैयार होने जा रही है। ये आप सुबह नहार मुँह ले सकते हैं, ये सुबह ब्रेकफास्ट में आपने लेना है। दिस इज योर ब्रेकफास्ट? दिस इज योर ब्रेकफास्ट? नो, अलॉन्ग विद दिस आपको टू बॉयल्ड एग्स लेना है। ओके, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट प्रोटीन के साथ, और ये आपका ये स्मूदी का। इसको ऐसे ही कर सकते हैं, नो वरीज, बंद करने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। ओके, अच्छा, इज एन एक्सीलेंट डिटॉक्स ड्रिंक। अच्छा, इससे डिटॉक्स होता है? यस, इससे आप डिटॉक्स होते हैं, ठीक है। इस स्मूदी के साथ आप इसके कलर्स देखें, इतने खूबसूरत इसके कलर्स हैं, और उसके बाद आप इसको इसमें भी देख सकते हैं, वरना इसको आप ग्लास में निकालें, ये पूरा एक कंप्लीट ग्लास बन जाता है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एक ग्लास का मैंने बताया है बनाने के लिए, अगर आप दो बना रहे हैं लाइकवाइज आप इसको डबल कर लें, तीन बना रहे हैं, और इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।